सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर जो होता है उसके एक एरर के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरर आता है, एरर रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर DF, इसके आगे जो कुछ भी है। तो इस एरर को कैसे रिमूव करते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग में जाना होता है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है। ओके, ऐप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके 2 times all सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है गूगल प्ले स्टोर। ओके गाइस, तो आप यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है गूगल प्ले स्टोर है। तो अब इसको आपको क्या करना है, यहां पर अनइंस्टॉल अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ओके के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ओके, फिर मैं इसको इस अपडेट को अनइंस्टॉल कर लेता हूं। उसके बाद आपको फोर्स स्टॉप के ऊपर क्लिक करना है, फिर से ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, इसको करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, उसके बाद आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग में जाकर यहाँ पर ये जो गूगल दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपनी फिर से जीमेल के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 dots देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर रिमूव अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आपका जीमेल अकाउंट रिमूव करना है। करने के बाद आप अपने प्ले स्टोर में जाकर फिर से जीमेल ID डाल दीजिए। उसके बाद आपकी ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें।